रहे हैं और मुझे काफी देर से लग ही रहा था कि टीम सोल अगर उसके सर्कल के अंदर तो पीछे से ओजी जो अब तक बहुत ज्यादा पैसिव थे वो दिक्कत डालेंगे। अश्विन दर अभी भी ब्लू जोन के बाहर है तो दैट मींस ओमेगा के पास जो एडवांटेज था वो अभी फिलहाल टीम ओजी के पास भी है। ओमेगा एकदम ओपन में नहीं आ सकते, हेक्टर के ऊपर ओजी का स्क्वाड आ चुका है, दो खिलाड़ी नजर आते हैं पीछे तो देखो हेक्टर ने यहां पे स्प्रे किया तो था, नॉक भी किया बट अभी के लिए नॉक नहीं मिला व्हिच इज रियली सैड एट द मोमेंट बिकॉज़ अभी नॉक की जरूरत है, अभी आपको प्लेयर्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे। देयर इज ओनली वन बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ टीम सोल एंड दैट इज टीम ओजी। हेक्टर गेट्स डाउन, हेक्टर गेट्स एलिमिनेटेड राइट अवे। टीम ओजी जो डिसएडवांटेज था इनके पास सर्कल के बाहर से अब पैसिवनेस है स्टार्टेड टू टर्न इनटू अग्रेसिवनेस। अक्षत हैज गॉट द हाइट, हाइट का एडवांटेज लेते हुए नीचे की तरफ स्प्रे दिया था, एक प्लेयर को डाउन किया बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया। इन द मीन टाइम अश्विंदर इज आल्सो डाउन सो इट सीम्स लाइक टीम सोल is now somewhat in a good position but पीछे से 8 bit भी आती हुई OG Viscot को धक्का दिया है and Gladiator player 2 Ultron को down करते हुए confirm कर देगा but team Soul को वापस से recoup करना पड़ेगा, दोबारा से क्लोज इन करना पड़ेगा, दोबारा से सबको साथ आना पड़ेगा और Gladiator के player 4 down है। team Soul के पास बहुत अच्छा मौका है, चलिए आ चुके हैं। Omega is also there, even terrain बना हुआ है ना जॉर्जो पॉल की पहाड़ियों का, ये बहुत ज्यादा दिक्कत। लेकिन 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 look at the position, दलजीत को स्प्रे किया है, अक्षत मिसेस द स्प्रे बट यहां पे टीम एनिग्मा फॉरएवर को पता चल चुका है कि अब ऊपर जा पाना और बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पे टीम सोल के अक्षत नजर आते हुए ग्रेनेड पुशिन कर रहे हैं बट अक्षत भी अप्रोच कर रहे हैं एडवांस करते हुए, ही वॉन्ट्स टू सिक्योर सो मेनी फ्रैग्स एट द पॉइंट कि वो आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ और भी प्लेयर्स नजर आते हुए, जादू भी नजर आ रहे हैं, आदि नजर आ रहे हैं टीम अननोन के बट लेट्स सी क्या यहाँ पे अक्षत अपने लिए बहुत सारे फ्रैग्स निकाल पाएंगे। खाता नहीं खुला हुआ है गेम तो माइंड यू अक्षत का खाता नहीं खुला है बट क्या बट अनफॉर्चुनेटली अक्षत डाउन होते हुए ओमेगा इज आल्सो डाउन, नियो के कंधों पे सारा का सारा दारोमदार, अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं, नन्हा सा चेहरा और हल्के से कंधे लेकिन भार टीम सोल का नियो के ऊपर, अकेले खिलाड़ी नेक्सस को डाउन करेंगे और टीम एनिग्मा फॉरएवर के अब भी खिलाड़ी बचे हुए हैं। यहाँ पे बेयर मिनिमम चांस है सोल अक्षत को बचा सकते हैं बट नो, नियो इज नॉट गोना रिस्क द पोजीशन, नियो के पास अच्छी पोजीशन है दैट इज व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू एडवांस, ही इज नॉट गोना गो फॉर द रिवाइवल, गोइंग टू सेफली साउंडली स्टे देयर एंड टेक डाउन द रिवेंज अगेंस्ट टीम एनिग्मा फॉरएवर। ये बैक साइड में जो टीम सैंडविच भी फर्स्ट रखी थी यहां पर टीम एनिग्मा फॉरएवर लेकिन उसके बावजूद भी यहां से सरवाइव करके निकल रही है, लेकिन फिर भी गलती से अब गलती हो चुकी है, गलत ड्राइविंग स्किल थोड़ी सी देखिए लड़खड़ा है इस वहां पर क्योंकि इतना उबड़ खाबड़ रास्ते से आप उतर रहे थे तो बचना काफी मुश्किल था बट चलिए नियो को पहले से ही अक्षत ने बोल दिया था कि रिवाइवल की वजह आप चले जाइए क्योंकि 200 मीटर आपको ट्रैवल करना है, आ चुके हैं ऐसे मुंह के मौत के बोल सकते हैं मौत के मुंह से निकल के वो आए हैं एंड देखते हैं कि क्या टीम ग्लैडिएटर्स को निकाल पाएगी।